तो एंड्रॉयड के लिए आपको पहले इसकी जो चार्जिंग केबल है वो लगानी पड़ेगी यूएसबी पोर्ट में, फिर आपको इसकी चार्जिंग जो है पोर्ट वो मोबाइल के अंदर लगानी पड़ेगी। मोबाइल के अंदर लगाएंगे तो एक एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल से, वो प्ले स्टोर में नहीं है, उसका नाम है एंड्रॉयड ऑटो। जब एंड्रॉयड ऑटो आपके यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आएगी और ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑटो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। जो आपका इधर है, आपने जो इसको दी हुई है, आपने एक्सेस दी हुई है, वो सारी इधर आ जाएंगी, मैसेजेस की, आपके गूगल की, आपकी मैप्स की, हर हर चीज़ की। और इसी से आप यहाँ पे फ़ोन पे जाके अपने नंबर भी डायल कर सकते हैं। तो एक तरह का स्क्रीन प्रोजेक्शन हो जाती है आपकी कार में। एप्पल कारप्ले को इस गाड़ी के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले आपको अपने आईफोन की केबल यूएसबी पोर्ट में लगानी पड़ेगी। जब आईफोन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका सीरी एंड सर्च में लिसन फॉर हे सीरी आपका एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो इसमें कार प्ले की ऑप्शन नहीं आएगी। एक्टिवेटेड होगा तो आप जनरल में जाएंगे तो कार प्ले की ऑप्शन आ जाएगी। फिर आप यहाँ स्क्रीन पे आएंगे तो कार प्ले को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पूरा फ़ोन की प्रोजेक्शन आ गई है। इसमें मैं फ़ोन डायल नंबर्स, मेरा मैप्स, गूगल मैप्स अगर मैं खोलता हूँ तो बता देता है मेरी एग्जैक्ट लोकेशन किधर है, फिर मेरे मैसेजेस, मेरा स्पॉटिफाई अकाउंट, फिर व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो ये नाज़रीन एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो किस तरह कनेक्ट होता है किया स्पोर्टेज 2020 में, ये आपको मैंने बता दिया है, बहुत आसान है। लाइक करें, शेयर करें, अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें।